अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपको पता है, काफ़ी दिन से वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हसीना की तबीयत ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, तो आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम डेली रूटीन में वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे, तो इसकी वजह मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग डेली रूटीन में क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं, तो मुझे कह रहे थे कि आप डेली वीडियो अपलोड किया करो, तो मैं इस वजह से नहीं करती क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे बीमारी क्या है और किस लिए मैं ये इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही। तो मेरे लेवर का मसला है, यानी कि जो मेरा जिगर है ना, वो खून पैदा नहीं करता। तो इस वजह से मुझे यानी कि थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि कुछ गज़ा की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं मेडिसिन तो खा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे टेस्ट है, मैंने सिविल हॉस्पिटल से करवाया जी। अच्छा, ये सब टेस्ट है, खून के और जो भी टेस्ट होते हैं ये वो टेस्ट है। ठीक है, मेरे लिवर का मसला है, यानी कि मुझे हेपेटाइटिस सी है। पीसीआर हाँ, पीसीआर का टेस्ट। तो नहीं, वो तो करवाया ना हमने, वो तो आएगी 2 मंथ के बाद, वो रिपोर्ट आएगी। तो मुझे हेपेटाइटिस सी है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो बस मैं नॉर्मल सी मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ, अगर नहीं खाती तो मैं बीमार रहती हूँ। ये अभी मैं गई हूँ मेडिसिन लेने के लिए, सिर्फ ये मेडिसिन ही इतनी सिर्फ आई है 1200 रुपये की। ठीक है, ये वाली, यही सिर्फ 1200 रुपये की आई है। कुछ मेडिसिन इस तरह की थी जो हमने ली, नहीं ली। अच्छा ठीक है, तो इस वजह से मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर सकती, नहीं करूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने बस मेरे लिए दुआ करनी है कि मुझे इस बीमारी से ना जल्दी से जल्दी से सेहत याब कर दे अल्लाह ताला। आमीन। तो बस यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था, तो मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों से शेयर करूं। तो मुझे काला यरकान है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस सी, तो मेरे लेवर का मसला है जो खून पैदा नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि कुछ ड्रिप्स वगैरह लगाओ। तो आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। फिर ऊपर से रेंट, फिर घर का किराया, फिर बिजली गैस के बिल, फिर घर का जो इंसान का जो खाने पीने का खर्चा आता है वो अलग से, मेडिसिन के ऊपर तो काफी सारा खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपके लेवर का मसला है, तो या आप अटक जाएं या पिंडी जाएं, रावलपिंडी होली फैमिली में, या बेंजर हॉस्पिटल में जाएं, या अटक आप जाएं। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।